हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टेक विजन। मैंने एक ओनिडा कंपनी का वॉशिंग मशीन परचेस किया था, उसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। ये ओनिडा कंपनी का वॉशिंग मशीन है जिसकी मोटर पे वारंटी 5 साल की है और मशीन पे वारंटी 2 साल की है। इस मशीन का नाम ओनिडा हाइड्रोकेयर 6.5 kg है। इस मशीन को 3 नॉब्स दिए गए हैं। पहले बटन से आप वॉशिंग मशीन के जो कपड़े सुखाने का है वो कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो। दूसरे बटन से आप पानी को ड्रेन कर सकते हो और तीसरे नॉब से आप टाइम सेट करके कपड़े सुखा सकते हो। ये वॉशिंग मशीन अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप कपड़े वॉश कर सकते हो। दूसरे साइड में आपको कपड़े सुखाने का होता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, बाद में ये आपको ओपन करना है इधर से। और इसके अंदर और एक ऐसा कुछ होता है, ये आपको बाहर निकल कर रखना है। बाद में आपको इसके अंदर कपड़े डालने हैं और ये सूख जाएंगे। वापस से आपको इसको ऐसे लगाना है और ये ऊपर से बंद करके बाद में इसे पैक करना है। ये बहुत ही अच्छा वॉशिंग मशीन है, इसको मैंने शॉप से परचेस किया था। इसका प्राइस मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। इधर साइड में आपको एक पाइप दिया गया होता है जिस पाइप को आप नल से कनेक्ट कर सकते हो और बाद में पानी छोड़ के उसमें वॉशिंग कर सकते हो। ये वॉशिंग मशीन पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। इस पर सारी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, वॉश 6.5 kg, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इधर दिया गया है। ये मैंने वॉश करने के लिए कुछ कपड़े डाले हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। ये मैंने बर्तन से ऐड किया है, आप नल से कनेक्ट करके भी पानी ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको ये बंद करना है। वॉशिंग चालू करने से पहले आपको इसके अंदर कुछ डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, इस तरह से। जितना क्वांटिटी आपको चाहिए उतना आप डाल दे। बाद में इस ढक्कन को बंद कर दे। आपको वॉश करने के लिए 15 मिनट तक का टाइम दिया गया है, तो आपको इसे 15 मिनट तक सेट करना है। इसके बाद ये चालू होगा और जब ये टाइम ख़त्म होगा तब ये ऑटोमेटिकली बंद होगा और बंद होते टाइम कुछ साउंड प्रोड्यूस करेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से वॉशिंग हो रही है। अभी इसका टाइम ख़त्म हो गया, 15 मिनट जो हमें सेट किए थे वो ख़त्म हो गए। अभी बंद होते टाइम में इस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आपको पता चलता है कि वॉशिंग कंप्लीट हो गया इसका। इसके बाद आपको पानी ड्रेन करना है, जो नॉर्मल पोजीशन पे है उसको आपको ड्रेन पे लेके आना है इस तरह से। पानी ड्रेन होने के बाद सब पानी इधर से चला जाएगा, तो आपको इसे वापस वॉशिंग देना है। ये लीजिए, मैंने थोड़ा और पानी ऐड कर दिया, मैंने दिखाया नहीं लेकिन मैंने पानी बर्तन से ऐड किया है।
बाद में इसको आपको ऐसे वापस से टाइम सेट करना है। मैंने इस बार 9 मिनट का टाइम सेट किया है, आप चाहे तो 15 मिनट भी कर सकते हैं। इस बार आपको डिटर्जेंट ऐड नहीं करना है, आपको ऐसे ही वॉशिंग देना है तो उसका जो सोप है वो निकल जाए। जब टाइम कम हो रहा होता है तब इधर आपको पता चलता है, इधर मैंने 9 मिनट सेट किए थे तो अभी ये 6 मिनट तक पहुंच गया था। और जब टाइम ख़त्म होता है तब ये बीप साउंड करके ऑटोमेटिकली बंद होता है। इसके बाद आपको वापस से पानी ड्रेन करना है। इस बटन को नॉर्मल से ड्रेन पोजिशन पर लगे और साइड में पाइप दिया गया होता है जिससे आप पानी ड्रेन कर सकते हो इस तरह से। इस पाइप को साइड में लगाने के लिए हुक भी दिया गया है, इधर आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें से पूरा पानी चला गया है, अभी आप इन कपड़ों को निकाल सकते हैं। अभी आपको इन कपड़ों को सुखाने के लिए दूसरी साइड में डालना पड़ेगा। इधर आपको ऐसे ओपन करना है, ये निकालना है। इसमें आपको इस तरह से कपड़े ऐड करने हैं, आपको इसके अंदर टिक से कपड़े ऐड करने हैं। और कपड़े डालते टाइम आपको इसको ज़रा प्रेस करना है कपड़ों को। इसके बाद आपको ये ढक्कन लगाना है इस तरह से और ये ऊपर से बंद करना है। इधर आपको 5 मिनट तक का ड्राइंग टाइम दिया गया है तो इसको आपको 5 मिनट तक सेट करना है। तो इस तरह से इसका मोटर घूमता है, जब ये टाइम ख़त्म होता है तब ये ऑटोमेटिकली बंद होता है। आपने अगर बीच में ढक्कन उठाया तो ये बंद पड़ेगा, इसका मोटर बंद पड़ेगा। आपको ढक्कन उठाना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। इसके बाद आपको ऐसे कपड़े निकालने हैं, इसको बाहर निकालना है। आप देखेंगे कि आपके कपड़े बिल्कुल सूख गए होंगे, अगर थोड़ा थोड़ा बचा है तो बाद में इसको हवा में सुखा देना। इस तरह से आपको कपड़े निकालने हैं और इसको वापस से बंद कर देना है। वापस आपको जो पानी बचा हुआ है उसको भी ड्रेन करना है, इस बटन को ड्रेन पोजीशन पर लाके इस तरह से, जो साइड में पाइप दिया गया होता है उससे आपको पानी को ड्रेन करना है। ये वॉशिंग मशीन बहुत ही अच्छा है, मैंने 1 महीने पहले इसे परचेस किया था, ऑनलाइन परचेस नहीं किया था, मैंने शॉप से परचेस किया था। मुझे कुल 8,700 रुपये का पड़ा था। आप इसे ले सकते हो, आपके नज़दीक कोई दुकान है तो आप उधर पहले चेक कर सकते हो,
सस्ता पड़ता है तो ले सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल ड्रीम टेक विजन।